हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ साइक्लोट्रॉन। तो हियर वी विल स्टडी अबाउट इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? द साइक्लोट्रॉन इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। साइक्लोट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल्स को, स्पेशली पॉजिटिव चार्ज को, क्या करता है, वो एक्सेलरेट करता है, वो एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इन अ साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज। और साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको बहुत हाई एनर्जी मिलती है, और बहुत हाई एनर्जी से वो क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं विद ए कंपैरेटिवली स्मॉल अल्टरनेटिव करंट, बहुत कम अल्टरनेटिंग करंट के साथ, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, फील्ड को बार बार क्रॉस करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को उनको क्या करता है, सर्कुलेट करता है, उनको घुमाता है। किस तरह से घुमाता है ये हम लोग अभी इसका वर्किंग में पढ़ेंगे। द की टू द ऑपरेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन इज दैट फ्रीक्वेंसी एट विच द पार्टिकल सर्कुलेट मस्ट बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। और इसका मेन ये हो जाता है, इसका मेन प्रिंसिपल, कि जो साइक्लोट्रॉन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ घूमता है, कि एट विच द पार्टिकल सर्कुलेट्स वो किसके इक्वल होता है, एसी सोर्स जो है उसके फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। किसका फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन का, जो पार्टिकल एक्सेलरेट कर उसके फ्रीक्वेंसी, और एसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दोनों सेम होता है। सो लुक एट इट्स कंस्ट्रक्शन, ये इस तरह से है, ये दो डीज है, D1 ये D2 है इस तरह से, और यहाँ पर एसी सोर्स या HF ऑक्सीलेटर लगा हुआ है, यहाँ पर पार्टिकल को रखा गया है, ठीक है। और ये वाला दोनों जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, यहाँ एक होल है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सी, सो यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लुक एट द डिस्क्रिप्शन। द साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर, जो साइक्लोट्रॉन है उसमें दो डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर है, जैसे D1 और D2 है। दे आर सेपरेटेड बाई ए वेरी स्मॉल गैप, और दोनों में बहुत स्मॉल गैप है, D1 D2 को आप देख सकते हैं। एंड अल्टरनेटिंग करंट हाई रिस्क वोल्टेज अप्लाइड, हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द गैप, और उसमें HF ऑक्सीलेटर के थ्रू उसमें हम अल्टरनेटिंग करंट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। द वोल्टेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^4 volt एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^7 hertz। जो वोल्टेज का ऑर्डर होता है, वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो 10^4 volt होता है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी होते हैं AC का वो है 10^7 hertz। द डीज इज क्लोज इन स्टील बॉक्स, और डीज को एक स्टील बॉक्स में रख दिया जाता है, और किसके बीच में रखा जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पीसेस के बीच में, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज एज इन द फिगर, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है डीज के परपेंडिकुलर, ठीक है। सो लुक एट इट्स एक्शन, एन अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज अप्लाइज अक्रॉस द डीज, जैसे डीज में अप्लाई होते हैं, द पॉजिटिव आयन पी टू बी एक्सेलरेटेड इज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर ओ ऑफ द डीज। तो डीज के जो सेंटर है यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद सपोज एट दैट इंस्टेंट D1 इज निगेटिव एंड D2 इज पॉजिटिव, द पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स D1, ठीक है। D1 को निगेटिव और D2 पॉजिटिव, जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव और ये क्या है, समझो पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। ये वाला जो D1 है ये क्या है, निगेटिव है पोलैरिटी, और ये पॉजिटिव पोलैरिटी, और ये जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा, निगेटिव की तरफ आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ये निगेटिव की तरफ आ जाता है, ठीक है। जैसे ये निगेटिव की तरफ आता है, द पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स T1 एंड विल डिस्क्राइब अ सेमी सर्कल, और इस तरह से होता है, एक सेमी सर्कल बनाता है, पूरा ऐसे घूम जाता है। बाय द टाइम इट कम्स टू द एज, जैसे वो किनारे पे आता है, उसका पोलैरिटी ऑफ डीज इज रिवर्स, जो डीज का जो पोलैरिटी है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे कि D1 को पॉजिटिव कर देते हैं और D2 को क्या बना देते हैं, निगेटिव बना देते हैं। द पार्टिकल इज फर्दर एक्सेलरेटेड एंड इट डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ लार्जर रेडियस, फिर उसके बाद क्या होता है, इस पार्टिकल फिर एक्सेलरेट करता है, और इस तरह से कैसे एक्सेलरेट करता है, कि ये वाला पहले जब D1 निगेटिव था तो ये इधर आया, यहाँ तक आया, फिर उसके बाद इसको निगेटिव कर दिया गया, इसको पॉजिटिव कर दिया गया, जैसे ये पॉजिटिव होगा यहाँ रिपल्सन होगा, ये इधर आना चाहेगा, और ये निगेटिव है तो ये इसके पास आना चाहेगा, और ज़्यादा इसमें वेलोसिटी मिल गया, मीन्स एक्सेलरेटेड हो गया ये, तो और ज़्यादा सर्कल बनाया, ठीक है। इस तरह से जैसे ये यहाँ पर आया, उसके बाद फिर इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये पॉजिटिव इसमें रिपल्सन होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आना चाहेगा नेगेटिव की तरफ, और फिर ये और बड़े रेडियस से क्या होगा, इस तरह से घूमेगा, इस तरह से इसको एनर्जी मिलते जाएगा, और ये क्या होगा, एक्सेलरेट करता जाएगा। हम लोग वन बाई वन इसमें क्या करेंगे, इसके
पोलैरिटी को चेंज करते जाएंगे, प्लस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो द पार्टिकल इज फॉर द एक्सेलरेटर एंड डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ लार्जर रेडियस, उसी तरह से एक्सेलरेट होते होते लार्जर रेडियस के घूमेगा। एज इट इमर्जेस और फ्रॉम द डी पोलैरिटी अगेन चेंज, जैसे कि वो फिर डी टू से निकलेगा फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी, तो इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव होते रहेगा। दिस गोज ऑन एवरी टाइम द पार्टिकल क्रॉसेज द गैप, जब जब वो गैप को क्रॉस करेगा वो एक्सेलरेट कर दिया जाएगा, वो एक्सेलरेट हो जाएगा। बाय अप्लाइंग ए डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके द हाईली एक्सेलरेटेड आयन जो है एक्सेलरेटेड है, जो प्रोटोन है पी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन, तो फिर साइक्लोट्रॉन से होल से वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से डियर फोर, अब इसका कैलकुलेशन है कि हम लोग जानते हैं जब कोई चीज़ घूमता है तो उसका जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, एमवी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है। और इसमें जो फील्ड लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो घूम रहा है, वो क्या हो गया, क्यू वी बी साइन थीटा। और जैसे यहाँ थीटा एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एमवी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, वी और यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हो गया, देयरफॉर आर का वैल्यू कितना आया, एमवी बाई बी क्यू, जहाँ आर क्या है, रेडियस है किसका, सर्कुलर पाथ का। अब हम कंसिडर करते हैं कि टी क्या है, उसका टाइम है, ठीक है। लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट हाफ साइकिल, हाफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए समझो कितना टाइम ले रहे हैं, पूरा वो क्या हो जाएगा, पाई आर बाय वी, है ना। ये पूरा जब सर्कमफेरेंस होता है, ये पूरा सर्कमफेरेंस, एक सर्कमफेरेंस के लिए क्या होता है वैल्यू, टू पाई आर, लेकिन हाफ के लिए लेंगे जब तो क्या हो जाएगा, टू पाई आर बाई टू, टू टू कैंसिल हो गया तो मतलब पाई आर, तो t इज इक्वल टू पाई आर बाई, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और बाई वेलोसिटी होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो डिस्टेंस पाई आर हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। देयरफॉर t इज इक्वल टू पाई है, और r का वैल्यू जो भी हम सॉल्व किए उसको यहाँ पुट कर देते हैं, बाई m, ये r r कैंसिल हो गया, देयरफॉर t इज इक्वल टू पाई m बाई बी क्यू, ये हो गया इक्वेशन टू। अब टाइम पीरियड, जब वो ये हाफ मूव किया, हाफ के लिए था, पूरा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हाफ और ये हाफ, तो 2t, तो 2 से यहाँ पर क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए क्वेश्चन 3 में। इफ ईटा विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेटर फील्ड, ऑक्सीलेटर फील्ड का अगर ईटा हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टी, देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू 1 बाई, और ये वाला टी का जो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू बी क्यू बाई 2 पाई एम, ठीक है। जहाँ एम क्या हो गया, मास हो गया, एक क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल है, और बी क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। यही मेरा क्या है, साइक्लोट्रॉन का एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी का, फाइन।